का जो हादसा है वो बड़ा ही दुखदायक है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि मौत इस प्रकार से आ सकती है और इतनी बड़ी तादाद में गंभीर रूप से घायल लोग। मैंने आज जहां अकस्मात हुआ उस स्थान को देखा, उस मंदिर पे गया था, कोल्लम के अस्पताल पे, तिरुवनंतपुरम के अस्पताल में गया, यहाँ के मुख्यमंत्री से बात हुई है। जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उनके प्रति मेरी संवेदना है और जिनको इंजरी हुई है बहुत स्वस्थ हो, इसलिए मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि जो सीरियस पेशेंट है अगर उनको मुंबई, दिल्ली कहीं पर भी शिफ्ट करना होगा तो भारत सरकार तुरंत व्यवस्था करेगी। भारत सरकार पूरी तरह इस संकट की घड़ी में केरल के साथ हैं, दुखी परिवारों के साथ हैं। हादसा इतना भयंकर है कि जिसका शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। 200-200 मीटर तक लोगों को इंजरी हुई है और अभी मुझे डॉक्टर बता रहे थे कि कुछ ब्लास्ट तो ऐसे थे कि शरीर और माथा कहीं कहीं अलग हो गए हैं। तो कितना भयंकर हादसा होगा जिसका मैं अंदाज लगा सकता हूँ, लेकिन भारत सरकार पूरी तरह इस दुख की घड़ी में उन परिवारों की, सरकार की, केरल की जनता की साथ रह करके पूरी मदद करेगी।